सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं ग्रैंड मास्टर एशियन बहुत ही ज्यादा प्लस किया था एंड ग्रैंड मास्टर जाने के बाद कुछ ज्यादा स्कोर मेरा हो गया था, लेकिन मेरा 3 दिन नॉन स्टॉप ऑफलाइन हो जाने के कारण मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर नीचे हो गया हूँ एंड थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नीचे हो गया। मीन्स 400 से 500 प्लस चाहिए और हर दिन, तो आप लोग को पता होगा हर दिन मिनिमम भाई 200 बढ़ता है, वो मतलब कि प्लस करने के बाद भी एक्स्ट्रा मेरे को प्लस करना पड़ेगा। एंड भाई मैं अभी तक ग्रैंड मास्टर में हूँ नहीं, तो कोई चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। और गाइज देखते हैं कितने जल्दी मैं ग्रैंड मास्टर अगेन से लगा पाता हूँ एंड इस ईयर में सोचा था अवतार बैनर लेके छोड़ूंगा। बाय द वे दोस्तों, जो जो मेरे चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक एंड शेयर कर ही देना दोस्तों। तो भाई देखो, हम लोग ना मैच तो स्टार्ट करने वाले हैं, बट यहाँ पे देखना ये है क्या मेरा अगेन से ग्रैंड मास्टर लग पाएगा या नहीं, तो यही सोच के मैं मैच स्टार्ट करता हूँ एंड फर्स्ट मैच खेलता हूँ मैं डुओ। हमारा लास्ट जोन हो जाता है लेकिन मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड मर जाता है एंड उसको बचाने के लिए मैं जाने चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे थे एंड जिस साइड मशीन है उसी साइड मेरा फ्रेंड मरा था अभी तुरंत, तो मेरे को जाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। और मैं जाते जाते भाई देखो राइट साइड से बहुत ज्यादा बंदे फायर कर रहे हैं और आगे भी है, तो मैं फटाफट गाड़ी छोड़ता हूँ एंड जल्दी बचाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो मैं अपना फ्रेंड को बचा लेता हूँ लेकिन मेरा गाड़ी को कोई फोड़ रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं अपने आप को कवर लेता हूँ और फटाफट गाड़ी को पढ़ के एंड सामने निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद मैं मर सकता था, तो इसलिए मैं अपने आप फिर से यहीं पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं वेट करने लगता हूँ। अब मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा था लेकिन जो मैं अपना फ्रेंड को रिवाइव दिया था वो उतर गया भाई बंदे के पास, जो कि मैं बहुत सारे बंदे थे एंड वो डाउन हो गया एंड दोबारा से बोल नहीं सकता कि बहुत सारे बंदे हैं एंड मैं रिवाइव नहीं दे पाऊंगा। भाई तो यहाँ पे मैं एक को डाउन करता हूँ एंड एक को काफी टाइम देता हूँ, लेकिन वहाँ पे गुलबा लगा देने के बाद वो तो रिवाइव हो जाता है एंड राइट साइड भी बंदे हैं, थोड़ा सा आराम से मेरे को खेलना पड़ेगा। एंड मेरे पास यहाँ पे लॉन्च पैड था तो मेरे को लगता है चलो बचा लूंगा, लेकिन उससे पहले जोन आ जाता है एंड जोन से वो बंदा मर जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही डिफिकल्ट से फंस जाता हूँ क्योंकि दोनों प्लेयर मेरे पे रश कर देने वाला है एंड मेरे पास एक लॉन्च पैड था, फटाफट यूज करके मैं सामने निकल जाता हूँ, लेकिन आने के बाद मेरे को पता चलता है यहाँ पे भी एनिमीज है एंड एक नहीं बल्कि 2-3 था, तो फटाफट मैं गाड़ी पकड़ूंगा एंड यहाँ से निकल जाऊंगा एंड मेरे को वो फायर कर रहा था बट यहाँ पे जल्दी से मैं आगे निकलूंगा। एंड देखो निकलने के बाद मेरा गाड़ी तो फोड़ रहा था, तो अपने आप को थोड़ा सा कवर बना के रखता हूँ एंड अचानक से आता है जो कि हेड शॉट से उसे मार देता हूँ। मारने के बाद मैं वेट करने लगता हूँ, उसका राइट साइड एक फ्रेंड है एंड सामने जितना प्लेयर बाकी है तो वो सामने है। अब थोड़ी देर बाद राइट वाला एनिमी मेरे पे तो रश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं काफी डैमेज दिया बट उसके पास AWM था जो कि मेरे को एक गोले में हाफ हेल्थ कर दिया एंड उस पर रश कर दिया था मॉन्स्टर ट्रक जो कि मैं थर्ड पार्टी कर रहा था एंड काफी बंदे को डैमेज दिया, बट भाई वो गुलबा लगा लिया एंड वो तो बच जाता है। एंड सामने 2 प्लेयर आया था मेरे पे रश करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। राइट वाला तो डाउन हो गया था शायद से, उसके पास सोनिया था, लेकिन ये यहाँ पे रश कर दिया एंड देखते देखते भाई मैं तो अकेला बाकी हूँ एंड वो दोनों बाकी है, मतलब वो सब एलिमिनेट हो गया, बस सामने का 2 प्लेयर बाकी है जो कि यहाँ पे आया एंड काफी डैमेज दिया इस प्लेयर को, काफी डैमेज दिया भाई, थोड़ा सा हेल्थ के बाद बाकी रह गया एंड ये मेरे को मार दिया, जिसमें किस वाले मैच में मेरे को 22 का प्लस मिलता है। हमारे नेक्स्ट वाले मैच में जो कि हम अर्सेनल की खोल के आराम से लूट कर रहे थे, लेकिन सामने फाइट हो रहा था एंड मैं तो जा रहा था फाइट के मजे लेने के लिए, थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कोई इतना गंदा डैमेज देगा मेरे को एंड मेरे को अभी तक पता नहीं है किधर से मेरे को मारा था। तो फटाफट मैं मेडिकेट करता हूँ एंड अब मेरे को बंदा दिख जाता कि जोन से मेरे को बंदा मारा था, तो मैं यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, मैं मॉन्स्टर मंगा लेता हूँ एंड सामने प्लेयर को काफी डैमेज देता हूँ बट ये बंदा मेरे को देखता नहीं है। आई डोंट नो वो मेरे को डैमेज देख के वो इग्नोर मारा, जिसके कारण वो तो डाउन हो गया एंड फटाफट जल्दी से फिनिश लेने के बाद मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, काफी ज्यादा थर्ड पार्टी हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे रहूँ तो मर सकता हूँ। तो फटाफट बैठता हूँ गाड़ी पे एंड अपना फ्रेंड को भी गाड़ी पे बिठा के फटाफट निकल जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे बंदे कितने हैं, अभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है जिसके कारण छोड़ना पड़ा मेरे को एंड सामने ही जा रहा था बट एक प्लेयर जा रहा था रैंडमली एंड यहाँ पे आया एंड उसको ठोक दिया, जो कि उसका पूरा स्क्वाड ही फिनिश हो गया। आई डोंट नो ये खुले में क्यों जा रहा था एंड इसको मारने के बाद मेरे को लगता है उसका भाई स्क्वाड में से एक दो बंदा बाकी रहेगा जो हम लोग मार सकते हैं। वही देखते हुए मैं जाता हूँ सामने एंड वो जो थर्ड पार्टी होने वाला है वही देखते हुए हम लोग गए, लेकिन यहाँ पे एक भी प्लेयर नहीं था। आई डोंट नो किधर चला गया, सारे बंदे इधर उधर होकर मर गए होंगे, मतलब एक भी यहाँ पे नहीं था, लिटरली यहीं पे अभी तुरंत फाइट हो रहा था और उससे पहले मर गया। एक बंदा सोलो टेयर राइट साइड ले लिया था जिसको मैं जा रहा था बट यहाँ पे नीचे भी फाइट हो रहा था, जिसके कारण मैं नीचे गया एंड वो सब लेफ्ट साइड से निकल रहा था जोन से एंड सोलो टेयर को मारना चाहता बट यहाँ पे दोनों प्लेयर था दो, जो कि एक को काफी डैमेज दिया बट वो डाउन नहीं हुआ एंड वो अपने आप को पैक कर लिया गुलबल से, जो कि मेरे को अभी उतरना नहीं सही रहेगा। एंड एक प्लेयर सामने जा रहा था जिसको मैं देखा एंड फटाफट मारा एंड वो हो गया डाउन एंड डाउन होने के बाद फटाफट नीचे देखता हूँ और यही लास्ट प्लेयर बाकी था जो काफी डैमेज था एंड ये मेरा बहुत ही गंदा वाला किल चोरी था। भाई तो यहाँ पे तो किल हो जाता मेरा एंड सोलो डेयर वाला बंदा रिवाइव भी कर लेता बंदा को, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे किल होने के बाद जल्दी से गाड़ी पे बैठता हूँ एंड सामने निकल जाता हूँ। अब सामने जाने के बाद 2 प्लेयर सामने था एंड राइट साइड से आ ही रहा था, लेकिन मेरे को नहीं पता था उसके पास अच्छा वाला गन हो सकता है एंड वो मेरे को काफी डैमेज दे दिया बट इसको एक भी डैमेज नहीं दे पाया और वो हमारा गाड़ी जला देता है। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं क्योंकि पीछे से बंदे आएंगे तो मार सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको काफी डैमेज दिया जिसके कारण अभी तो हम लोग थोड़ा सा कवर में हो गए एंड अपना फ्रेंड को जल्दी से बोल रहा था गाड़ी मंगाओ बट उसके पास
पास अभी है नहीं गाड़ी, एंड अब तो थर्ड पार्टी होने वाला है, लेकिन जब तक होगा तब तक इसको मारने का ट्राई करेंगे। एंड अभी तो फिलहाल के लिए वो सब अपने आप को कवर में, मैं सामने आता हूँ क्योंकि सामने दोनों प्लेयर आगे चला गया था और मैं यहाँ पे गुलवन तोड़ने वाला फेंकता हूँ। लेकिन उसके पास काफी अच्छा कवर था एंड वो ग्रेनेड पे ग्रेनेड कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। बट भाई मैंने यहाँ पे देखो एक पीछे से बंदा आ गया जो कि काफी डैमेज दे रहा था मेरा फ्रेंड को, और ये देखो रश कर दिया था भाई, लिटरली पता नहीं था मेरे को, रश कर दिया एंड मेरा फ्रेंड उसको मार भी दिया था। और फटाफट मैं गाड़ी को पकड़ता हूँ, सोचता हूँ निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन भाई वो राइट वाले बंदी इतने गंदा वाला डैमेज दे रहा था जिस कारण मैं तो नहीं निकल पाया एंड गुलबल लगाते ही कितना डैमेज दिया। बट यहाँ पे मैं अपने आप को कवर किया एंड लॉन्च पैड मेरे पास टाइम पे था जो यूज करके एंड सामने निकल गया। लेकिन यहाँ पे बंदे थे गाइस जो अभी तो मेरे को पता नहीं है, एंड अभी तो मैं वेट करता हूँ, मेरा फ्रेंड भी मर चुका है तो अकेला मैं बाकी रह गया। मैं थोड़ी देर बाद जोन को कवर करने के लिए सामने जा रहा था जो मेरे पास मॉन्स्टर ट्रक था, एंड लिटरली भाई वही वाला बंदा फिर से मेरे को मिल गया जो इतना गंदा डैमेज दे रहा था, क्या ही बताऊं। मेरे पास यहाँ पे परमानेंट कवर नहीं था तो मेरे को कितना गंदा डैमेज दे रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को कवर किया मॉन्स्टर ट्रक से एंड वो बंदा जो डैमेज दे रहा था उसको काफी डैमेज देके डाउन भी कर दिया। और डाउन करने के बाद मैं फाइनली अभी कवर में हो जाता हूँ एंड डुओ वर्सेस डुओ सामने है एंड मैं सिंगल हूं। अगर यहाँ पे भाई थर्ड पार्टी करो तो मैं ही कर पाऊंगा, वो सब तो मतलब फाइट लेगा तो मैं कर सकता हूँ, ये सोच के मैं यहाँ पे वेट करने लगता हूँ। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों डुओ फाइट ले रहा था बहुत ही गदर वाला, जो मेरे को लगता है चलो जाना चाहिए एंड थर्ड पार्टी करना चाहिए, एंड मेरे को वो नहीं देखा जिसके कारण मैं तो यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ एंड एक ग्रेनेड का डैमेज लगता भी है। बट भाई देखो लास्ट प्लेयर बाकी था जिसको मैं डैमेज एंड डाउन एंड फिनिश करके भाई बहुत ही खतरनाक वाला बोया निकाल लिया, लिटरली इम्पॉसिबल था। बट भाई थर्ड पार्टी के बीच में कोई बोल नहीं सकता और यहाँ पे हमारा बोया निकल जाता है जिसमें कि मेरा 5 किल था एंड यहाँ पे हमारा 29 का प्लस मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। अब हमारे नेक्स्ट वाले मैच में जो कि यहाँ पे सामने दो प्लेयर था और उधर से मेरा फ्रेंड आ रहा था जो कि मेरे को लगता है मेरे को रश कर देना चाहिए, लेकिन भाई मैं थोड़ा सा बाकी रह जाता हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड यहाँ से भाग रहा था, तो मेरे को लगता है चलो अब दोबारा से जाता हूँ, मेरा फ्रेंड बोला था चलो रश करते हैं एंड मेरे पास यहाँ पे बाइक है तो मेरे को तो नहीं मार सकता इसलिए मैं दोबारा से जाता हूँ एंड इसको आपकी और मार ही दूंगा। एक को भाई डैमेज दे दिया उसके बाद उतर के मारना चाहता हूँ, बट यहाँ पे एक भी बंदे को डैमेज नहीं लगता है जिसके कारण मैं तो यहाँ पे अभी नहीं उतरा एंड अपना फ्रेंड को जल्दी जल्दी बुलाता हूँ कि जल्दी से आ जाओ एंड उसके बाद मारना है। तो अभी तो वो मॉन्स्टर मंगा रहा है एंड मॉन्स्टर से आने वाला है, तो फिलहाल के लिए मैं अभी घूम रहा था एंड उसके पास मॉन्स्टर हो जाता तो फटाफट मैं अब जाने वाला हूँ रश करने के लिए एंड मेरे पास बाइक है इधर उधर से मार सकता हूँ। लेकिन मेरा फ्रेंड आने के बाद देखना कितना गलत सीन यहाँ पे होता है, वो मैं तो यहाँ पे वेट करने लगता हूँ कि जब वो ठोकेगा मैं मारूंगा, बट वो भाई देखो अचानक से आके वही डाउन हो गया। अब मैं क्या करता है यहाँ पे, मैं जल्दी से उसी का मॉन्स्टर पकड़ा एंड निकलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे रहता तो मैं मर सकता था। हाँ वो बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था बट यहाँ पे मैं मॉन्स्टर लेके निकल गया। अब थोड़ी देर बाद आने के बाद ही मैं अपना मॉन्स्टर मंगा लेता हूँ, जल्दी से गाड़ी चला देता हूँ एंड अब मेरे को टॉप 10 लगाना है क्योंकि काफी अच्छा खासा मेरा हेल्थ हो गया गाड़ी का, तो गाड़ी पर बैठ के और इधर उधर घूमने लगता हूँ। अब मैं थोड़ा सामने आने के बाद एक प्लेयर जो हमारा फ्रेंड को मारा था तो वो हमको भी बहुत डैमेज दे रहा था, लेकिन जल्दी से जाता हूँ एंड लिटरली भाई थोड़ा सा वो बाकी रह जाता मरने को, लेकिन वो नहीं मरता है तो मेरे को लगता है चलो इस बार मर जाएगा, लेकिन वो मेरे काफी डैमेज दे रहा था एंड उसका फ्रेंड भी शायद मेरे को काफी डैमेज दे रहा था। तो अभी तो मेरा काफी गाड़ी को डैमेज दिया तो फटाफट मैं नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा गाड़ी डैमेज होने वाला था एंड शायद से मतलब कि मैं मर भी जाता। तो अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ से मेरे को लगता है चलो हेडशॉट मारेंगे, बट वो अपने आप को कवर में आ गया एंड वो लिटरली मेरे पे बहुत ही गंदा वाला रश करने वाला था एंड यहाँ पे मैं वेट करने लगता हूँ जैसे कि वो एक प्लेयर उस पर रश कर दिया और वो शायद उसका फ्रेंड नहीं है और रश करते ही देखो मेरे को लगता है चलो अब जाना चाहिए एंड अब मार देना चाहिए। मेरे पास मॉन्स्टर था तो फटाफट मॉन्स्टर पकड़ता हूँ, वही वाला प्लेयर उसको मार दिया था तो फटाफट जाता हूँ, लेकिन वो भाई पहले ही निकल जाता है जो कि मैं तो अभी फिलहाल के लिए नहीं मार पाता हूँ एंड दोबारा से जाता हूँ एंड उसको डैमेज देता हूँ। डैमेज देने के बाद फटाफट इसको डाउन भी करता हूँ, डाउन करने के बाद अब तो लोल दिखाना पड़ेगा एंड लोल दिखाने के बाद जल्दी से फिनिश कर दिया। अब फिनिश करने के बाद काफी कम बंदे हैं तो मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। अब जोन जैसे छोटा हो रहा था मैं अपने आप में कवर में था एंड एक प्लेयर आ था इधर जो कि मेरे को नहीं देखा था जिसके कारण मैंने मार दिया एंड उसको जल्दी से फिनिश भी करना पड़ेगा क्योंकि हर एक के पास भाई हॉर्स लाइन लास्ट में हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल के लिए बंदे सामने थे एंड मेरे को थर्ड पार्टी करना है जो कि बहुत ज्यादा गंदा वाला थर्ड पार्टी कर रहा था एंड वो सब प्लेयर आगे ही फंसा हुआ था तो मेरे को लगता चलो सामने जाना चाहिए। अगर सामने वाला प्लेयर मेरे को नहीं देखा तो भाई पार्टी करने में बहुत ही मजा आता है और सामने एक दूसरे से फाइट ले रहा था तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा लूट मिल जाता है जो M60 था। और जैसे तैसे करके मैं सामने जाता हूँ एंड देखो सारे फ्रेंड एक दूसरे करके मर गया है, बस एक लास्ट प्लेयर बाकी था जो कि मारने के बाद वो भी मर गया एंड हमारा फाइनली बोया हो जाता है। और भाई लिटरली ये वाला मैच हमारा ऐसे करके बोया भी निकल जाता है। अब ये वाला मैच भी हमारा बोया होता है और इसमें हमारा 5 स्टार भी लग जाता है मास्टर का जो कि बहुत ही अच्छा हुआ और लगातार मैं 2 मैच लगातार बोया हो गया वो भी थर्ड पार्टी करने के बाद भी। तो दोस्तों अभी तो मैं अच्छा खासा प्लस कर लिया हूं एंड अभी तो फिलहाल के लिए जा रहा हूं प्लस करने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा अभी प्लस करना है। एंड यहां तो जो वीडियो देख रहे हो उसके लिए थैंक यू और लाइक शेयर कर ही देना। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।